गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्विक रिव्यू, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं या जिनका रिव्यू हम एक सेपरेट वीडियोस में नहीं शेयर कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि उन प्रोडक्ट का रिव्यू मैं क्विक रिव्यू में आपके साथ शेयर करूँगी कि 3 मिनट से भी कम होंगे वो वीडियोज़, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ज़्यादा वेस्ट ना हो और उन सभी प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में बातें भी पता चल जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आज के वीडियो के लिए कि आज मैं किस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निविया की सॉफ्ट क्रीम लाइट मॉइस्चराइजर का रिव्यू। तो ये कुछ इस तरह की आउटर पैकेजिंग में आता है, जो कि एक प्लास्टिक पैक है और ये कई सारे साइजेस में भी अवेलेबल है। मेरे पास इसका सबसे छोटा साइज़ है, जो कि है 36 रुपीज़ का। इसमें आपको 25 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 30 मंथ है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। अगर बात करें स्किन टाइप की, तो ये क्रीम ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। अगर बात करें निविया के वेरिएंट की, तो निविया कई सारे वेरिएंट में अवेलेबल है निविया की क्रीम, बट आपको जो पसंद हो आप उसे बाय कर सकती हैं। आज के वीडियो में मैं इसका ही रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। अगर बात करें इस क्रीम के टेक्स्चर की, तो इसका टेक्स्चर काफ़ी लाइट वेट है, तो आप इसे ईजिली कर सकती हैं। मैं इसका टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूं। ये देखिए, निविया की जो ब्लू टिंट की क्रीम होती है, उसका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी थिक होती है, बट ये बिल्कुल भी थिक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट और कंफर्टेबल है। आज मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए भी यही क्रीम यूज़ की है। अगर बात करें इसकी स्मेल की, तो बहुत हल्की सी स्मेल है इसमें, बट वो थोड़ी देर के बाद फेड हो जाती है। अगर आप सेंसिटिव नोज़ के हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है, कुछ लोगों की स्किन एक्सट्रीमली ऑयली होती है, तब ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये आपकी स्किन पे ऑयलिंग की प्रॉब्लम या स्वेटिंग की प्रॉब्लम दे सकती है। बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। अगर बात करें ड्राई स्किन की, तो ड्राई स्किन वालों के लिए ये इनफ नहीं, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को हैवी मॉइस्चराइजेशन की नीड होती है, तो उनके लिए ये क्रीम इनफ नहीं होगी। बट अगर आप चाहें तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। ट्रैवलिंग के लिए भी परफेक्ट है, यूज़ करने में भी काफ़ी हैंडी है, टब पैक है, जो देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और निविया एक ट्रस्टेड ब्रांड भी है, कि निविया के प्रोडक्ट हम सभी ने हमेशा ही यूज़ किए। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है और आपके बजट में भी है, और वर्क तो इसका बहुत ही अच्छा है। तो आप चाहे तो इस क्रीम को एक ट्राई ज़रूर दें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप मेरे ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहूँगी कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।